हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, आप लोग ये नाम सुन के थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये गाइस फुल फॉर्म है पबजी की। एंड पबजी आप लोग बिल्कुल उससे हूबहू फेमिलियर होंगे ही, क्योंकि वो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। सो यहाँ पे गाइस मैंने दो चार ऐसे स्मार्टफोन कंपाइल करे हैं जो कि मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर क्या पबजी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेल पाएंगे। नाउ गाइस यहाँ पे जो पूरी की पूरी कंपाइलेशन है, ये मैंने लगाई है 20,000 रुपये से नीचे वाले फ़ोनों के लिए। सो ऊपर वाले फ़ोन से यार आराम से कोई भी लाइक 25,000 का फ़ोन हो गया, 30,000 रुपये का फ़ोन हो गया, 35,000 रुपये का फ़ोन हो गया, उन फ़ोनों से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन फ़ोनों के अंदर आपको टॉप ऑफ द लाइन की परफॉर्मेंस मिलेगी पबजी को लेकर। क्योंकि जो पबजी है वो एक बहुत ही हाई एंड गेम है। एंड बेसिकली जब ये कंप्यूटर्स के लिए आई थी, तो कंप्यूटर्स पे जो ये गेम थी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए खेली जाती थी, और लोग देखते थे कि किस तरीके से ये गेम हैंडल करता है कंप्यूटर, तो उससे पता चलता था कि जो कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। एंड जब ये एंड्रॉइड के अंदर पोर्ट हुई, तो सभी लोग जितने भी गेमिंग रिव्यूज बनाते हैं इसलिए ज़्यादा इंक्लूड कर ले, क्योंकि हाईली इंटेंसिव ग्राफिक्स वाली गेम है और इसके अंदर हजारों फीचर्स हैं, और साथ ही साथ आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यार तुम लोग अब मुझसे पूछोगे कि कौन कौन से फ़ोन जो है बेस्ट रहेंगे, तो सबसे पहले जो फ़ोन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि आता है 18 से लेकर 20,000 रुपये का। तो 18 से लेकर 20,000 रुपये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन की जो प्राइस है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से लेते तो वहाँ पे कम होगा, और ऑनलाइन से लेते हो तो शायद कम हो या फिर बड़ा हो, तो वहाँ पे मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फ़ोन जो है वो है ओप्पो की तरफ से F7। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ अंडररेटेड फ़ोन है, क्योंकि इस फ़ोन को मेरे को लगता है कि उस तरीके से एडवर्टाइज़ नहीं करा गया जिस तरीके से इसको करना चाहिए था, और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहा। लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही इंटेंसिव CPU परफॉर्मेंस के साथ आता है, और इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग मिलती है प्रोसेसर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर आप लोग इसके अंदर खेलते हैं पबजी, तो आप इसके अंदर आराम से HD क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छे से पबजी खेल पाएंगे। एंड मेरे पास जो है Realme 1 है, और Realme 1 के अंदर भी यही सेम प्रोसेसर है, तो इसलिए मुझे पता है कि ओप्पो F7 के अंदर परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। एंड फ़ोन जो है गाइस दिखने में बहुत बढ़िया है, नॉच वाली डिस्प्ले है 6 इंचेस की Full HD+ वाली, तो यार फ़ोन जो है ओवरऑल बहुत बढ़िया है और जो बहुत अच्छे पैकेज के अंदर आता है, तो आप लोग इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एक बढ़िया फ़ोन चाहिए पबजी खेलने के लिए। देन सेकंड फोन हमारा यहाँ पे ऑब्वियस चॉइस है, जो कि रेडमी नोट 5 प्रो। तो रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर है विद Adreno 549 GPU। एंड जो Adreno 549 GPU का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आप कोई सी भी गेम थ्रो करोगे और आराम से क्रश कर देगा। एंड पबजी के अंदर आप उसके अंदर हाई ग्राफिक्स के ऊपर आराम से गेम खेल सकते हो, तो यार ये आप लोगों के लिए बढ़िया बात है। देन आता है थर्ड नंबर पर हमारा Zenfone Max Pro M1, जो कि 6GB वाला है। तो 6GB वाला गाइस कल परसों तक आ जाएगा मार्केट के अंदर 26 जुलाई को, एंड उसके बाद आप लोग ये फ़ोन खरीद सकते हो। और उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 636 अगेन मिलता है, और जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था, इसके अंदर जो है ग्राफिक्स पावर बहुत अच्छी है। साइज से जो फ़ोन के अंदर 6GB की रैम मिलती है, तो आप लोग जो है इस फ़ोन के ऊपर आराम से पबजी खेल सकते हो, और हाई ग्राफिक्स के ऊपर फ्रेम रेट जो है बिल्कुल ड्रॉप नहीं होंगे। और यहाँ पे आप गेम प्ले देख सकते हो, मैंने जितने भी फ़ोन आज तक रिव्यू करे हैं उन सभी के ऊपर मैंने पबजी जो है हमेशा रिव्यू करी है। देन यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट जो है फ़ोन अप करना चाहता हूँ, वो ऑब्वियसली Realme 1 है, क्योंकि Realme 1 के अंदर जैसे मैं आपको Oppo F7 के केस में बताया था, एक मीडियाटेक का हीलियो P60 मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और मीडियाटेक का हीलियो P60 के अंदर एक और बात ये भी अच्छी है, इस बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, तो अगर आप लोग गेम खेल रहे हो तो आपको जो डिवाइस है वो ज़्यादा ओवरहीट नहीं करता। और बेसिकली जो रियलमी वन है यार, उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट आपको बैक मिलती है, तो वहाँ पे जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छी है, तो आपको कभी भी गेम खेलते हुए बहुत ज़्यादा हीट महसूस नहीं होगी, और फ़ोन के अंदर आप सिंपली आराम से जो है हाई ग्राफिक्स के ऊपर पबजी खेल सकते हैं। ना यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप लोग सैमसंग का फ़ोन सोच रहे हो लेने की इस पबजी खेलने के लिए, तो यार बिल्कुल मत लेना 20,000 रुपये से नीचे वाला, क्योंकि गैलेक्सी A6 Plus के अंदर जो कि 25,000 रुपये का आता है, स्नैपड्रैगन 450 है, वो बिल्कुल बकवास फ़ोन है, उसके अंदर पबजी बिल्कुल नहीं खेल सकते आप, तो इसलिए सैमसंग का कोई भी फ़ोन इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करा है। अगर वीडियो पसंद आई होगा इस वीडियो को, एक बड़ा सा लाइक, एंड आशा करता हूँ यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी किसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।